हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद बड़ा एक्शन। एसडीएम सीओ समेत 6 अधिकारी निलंबित। आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी ने बीते शुक्रवार को जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी थी। इसमें 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए। अब इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम और सीओ के खिलाफ एक्शन हुआ है। सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया है। एसडीएम और सीओ समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह एक्शन एसआईटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया है। वहीं एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की अगुवाई में मामले की जांच चल रही है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए थे। इसके लिए उन्होंने समिति भी गठित की थी। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और मंडलायुक्त चैत्रा वी को एसआईटी में शामिल किया गया था। शासन की ओर से इन्हें 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देशित किया गया था। वैसे शासन की ओर से बीते बुधवार तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था, लेकिन सीएम योगी के घटनास्थल पर जाने और राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने की वजह से निर्धारित समय की अवधि तक जाँच रिपोर्ट नहीं सौंपी जा सकी थी। इसके बाद अधिकारियों ने शासन से अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था। अब जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शासन की ओर से आगामी दिनों में क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, इस पर सबकी नज़र थी। अब इस कार्रवाई के बाद सबकी निगाहें आगे के एक्शन पर टिकी हुई हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा साकार हरि का सत्संग आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वैसे प्रशासन की ओर से 80,000 लोगों को मंजूरी मिली थी, लेकिन कार्यक्रम में 2.5 लाख से भी अधिक लोग शामिल हो गए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब लोग बाहर जाने का वक्त आया तो भगदड़ मच गई थी। बहरहाल इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ, और देखते रहें हापुड़ हलचल।